हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट गैलरी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम एक फ्लोरल मंडाला आर्ट सीखने वाले हैं। तो इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, इजी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत ही कम मटेरियल यूज़ होने वाला है जो आपके सभी के पास अवेलेबल होगा। तो मैंने यहाँ पर एक ड्राॅइंग बुक लिया है A4 साइज़ का। पेंसिल इरेजर ले लीजिए, कुछ स्केच पेंस ले लीजिए, बस इतने से मटेरियल की आपको आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह से ड्राइंग बुक के ऊपर मैं सबसे पहले कुछ फ्लावर बना रही हूँ। फ्री हैंड फ्लावर आप जो भी शेप और साइज़ के बनाना चाहते हो, कहीं कहीं पे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल है तो डायरेक्टली स्केच पेन से भी ये फ्लावर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंसिल से दिखा रही हूँ और उसके बाद उसके ऊपर स्केच पेन करूँगी। तो आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल है उस तरह से फॉलो कीजिए। फ्लावर का शेप आप कोई भी रख सकते हैं, साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। मैंने यहाँ पे चार छोटी बड़ी साइज के देखिए इस तरह से फ्लावर बनाए हैं। पेंसिल से है इसलिए आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। अब मैं इसको स्केच पेन से थोड़ा डार्क बना रही हूँ। सभी को इस तरह से बॉर्डर देके हम हाईलाइट कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद क्या करना है, मैंने इस तरह के इतने कलर की स्केच पेन ले रही हूँ और उसी कलर से मैं ये फ्लावर को रेडी करूँगी। तो ब्लू के शेड है ये 3-4 जो मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। इस तरह से सबसे पहले डार्क ब्लू के कुछ लाइनिंग्स दिए हैं मैंने, उसके बाद उससे लाइटर ब्लू और उसके बाद उससे लाइटर ब्लू। इस तरह से लाइनिंग देकर मैं पूरा फ्लावर को फिलअप करूँगी। और हाईलाइट कलर में आप जो भी येलो या लाइट येलो, लेमन येलो यूज़ करना चाहते हैं लाइटनिंग के लिए, उसको सबसे आखिर में जो भी गैप बचती है उसमें ऐड कीजिए। तो इस तरह से इसी प्रोसेस से हमें ये पूरे फ्लावर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। उसके बाद ये देखिए कुछ कुछ जो गैप बची है इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। दूसरे में भी मैं करके दिखाती हूँ। दूसरे में भी देखिए, एक बार डार्क कलर करने के बाद उससे थोड़ा कम जो डार्क शेड है उसको लीजिए आप, फिर उससे भी थोड़ी जगह पे लाइनिंग दे दीजिए। पूरा फिलअप मत कीजिए, गैप छोड़िए दूसरे कलर्स के लिए भी, तभी हमारे सभी शेड उस एक ही पेटल्स में आ पाएंगे ना। तो ऐसे गैप छोड़ते छोड़ते थोड़े बहुत कलर भरते जाइए। तो स्केच पेन से भी एक अच्छा क्रिएटिव कलरफुल फ्लावर रेडी हो सकता है। चारों फ्लावर्स को इस तरह से रेडी करने के बाद मैं इस तरह से सर्कल बनाऊंगी फॉर मंडाला। आप कोई भी लेस कुछ भी ले सकते हैं, चूड़ी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ लेके आप थोड़े छोटे बड़े सर्कल बना लीजिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक परमानेंट मार्कर पेन ले रही हूँ, पॉइंटेड वाली। आप कोई भी जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, मैं ब्लैक पेन यूज़ करूँगी और रेड पेन यूज़ करने वाली हूँ। आप अपने पास अगर
सब कलर वाली है, उसको कलरफुल बनाना चाहते हैं बहुत, तो पूरे कलर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा कलर्स यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ। सिंपल ब्लैक से बनाना चाहते हैं आप तो ब्लैक से भी कर सकते हैं। ये स्टेप बहुत ईजी है। सर्कल पे मैंने जब जहाँ मन चाहा इस तरह से सिर्फ ड्रॉ कर लिए है और फिर कुछ मंडाला की पैटर्न्स में फिलअप करती जा रही हूँ। ये सब कॉमन है। आराम से पेशेंस के साथ एंजॉय करते हुए पैटर्न्स को अंदर भरते जाइए। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। पहले ब्लैक कलर से करने के बाद भी जहाँ पे गैप में रेड कलर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बाद में फिलअप करना चाहे और एक साथ में ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन करते हुए काम करना चाहते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से कंफर्टेबल है उस तरह से जाइए। स्टार्टिंग में आप थोड़े बहुत मंडाला बनाएंगे, उसके बाद इसमें आपको अच्छे से पकड़ आ जाएगी पैटर्न बनाने में। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इधर उधर होता है, मेरा भी होता है डिज़ाइन करने में, थोड़ी छोटी बड़ी। उस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए आप, बस अपने जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करते जाएंगे ना तो कभी ना कभी तो सुधार आने ही वाला है। स्टॉप मत कीजिए, इस तरह से बड़े सर्कल में भी मैं पैटर्न अपने हिसाब से जो भी पसंद आ रही है इस तरह की मैं भरती जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे फिनिश कर लिया है मंडाला और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत सिंपल है लेकिन कलरफुल फ्लावर के साथ इसका लुक बहुत ही अच्छे से बन के आया है। आई होप गाइस यू ऑल लाइक दिस वीडियो और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरी चैनल पे। मिलेंगे फिर से, बाय बाय, टेक केयर।